हाय एवरीवन, आज मैं लेके आई हूँ केक बनाने की रेसिपी। इस केक को मैंने डिफरेंट तरह के बिस्किट से बनाया है जो हमारे पास में घर में अवेलेबल हो। जैसे मैंने इसमें टोस्ट लिए हैं, क्रीम वाले बिस्किट्स लिए हैं, कुकीज़ ली है। आप भी इस केक को बनाने के लिए मेरी वीडियो को लास्ट तक देखिए, लाइक करिए, और वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल फूड क्राफ्ट को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू। इसको बनाने के लिए मैंने एक बाउल लिया है, उसमें बिस्किट्स ले लिए हैं। क्योंकि हम आज मिक्स बिस्किट केक बनाएंगे, इसलिए हमने अलग अलग तरीके के बिस्किट लिए हैं। कुछ मैंने चॉकलेट बिस्किट लिए हैं, कुछ कुकीज़ है, कुछ पार्ले जी के हैं, टोस्ट हैं। आप भी आपके पास में जो भी बिस्किट हैं वो ले सकते हैं। अब हम जार लेंगे और बिस्किट्स को बारीक बारीक करके मिक्सी में पीस लेंगे। बिस्किट्स को हमको बिल्कुल बारीक पीसना है। सभी बिस्किट के छोटे छोटे टुकड़े कर लेंगे हम। हमारे पास में जो बिस्किट के चूरे हो जाते हैं वो बिस्किट भी हम काम में ले सकते हैं। इसमें देखिए, हमने बिस्किट को बिल्कुल बारीक पीस लिया है। अब हम इसमें दूध डालेंगे और उसका बैटर रेडी करेंगे। इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे हम। इसमें 1/4 चम्मच बेकिंग पाउडर भी डालेंगे। अगर आपके पास में ये नहीं है तो आप बेकिंग सोडा भी डाल सकते हैं, इनो डाल सकते हैं। देखिए, इसका हमारा बैटर रेडी है। इसको हम माइक्रोवेव ओवन में बनाएंगे, जिसके लिए मैंने बॉक्स लिया है। उसको अच्छी तरह से चारों तरफ से ग्रीस कर लिया है। इसमें हम ये हमारा जो बैटर रेडी करा था वो डालेंगे। इसमें बीच में मैंने थोड़ा ओरियो बिस्किट्स लिए हैं, बस इसके चारों तरफ लगा देंगे हम। आपके पास में चॉकलेट हो तो आप चॉकलेट भी डाल सकते हैं इसमें। इन बिस्किट्स को हम बारीक कर लेंगे। फिर ये जो थोड़ा बैटर रखा था हमने वो इसके ऊपर डाल देंगे। इसमें हमने सारा पेस्ट डाल दिया है। इसको हम बिल्कुल अच्छी तरह से इसे सेट करेंगे और ये जो ओरियो बिस्किट्स रखे थे वो बिल्कुल बारीक करके इसमें और डालेंगे हम। ये हमारा पूरा तरह से रेडी है। अब हम इसको माइक्रोवेव में 3 मिनट तक हीट करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमारा केक रेडी है, ये बिल्कुल भी नहीं चिपक रहा है। अब हम इसे प्लेट में निकालेंगे। साइड में से हम नाइफ से चारों तरफ से इसको निकाल लेंगे। निकालने के लिए हम प्लेट को इस तरह से रखेंगे और इसे उल्टा कर देंगे और थोड़ा ठंडा होने देंगे, उसके बाद केक को निकालेंगे बाहर। देखिए, ठंडा हो गया है। अब हम इसको निकालेंगे धीरे से। देखिए फ्रेंड्स, अब हम दूसरी प्लेट लेके इस केक को हम सीधा करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमारा केक रेडी है।